हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थी और टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी, आपका टॉपिक चल रहा है नोटिस शॉर्ट कंपोजिशन में। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ हो, मेहनत कर रहे हो, अपने अध्ययन के प्रति जागरूक हो। जल्दी आपके ऑफलाइन विद्यालय खुलने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल ही रही हैं। कोशिश यही होगी कि हम ऑनलाइन क्लासेज को भी बरकरार रखें, इन क्लासेज को बंद न करें। बच्चों, ये शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस इनविटेशन के बाद आपका शॉर्ट ग्रामर व्याकरण का आपका भाग दिया गया है 8 नंबर का। ये मैं आपको पिछले वीडियो में सिलेबस में बता चुका हूँ। क्लास 12th का सिलेबस RBSE राजस्थान बोर्ड में वही है जो NCERT में है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ किया गया है, जिसमें NCERT में और यहाँ ग्रामर का भाग आपका जोड़ दिया गया है। आर्टिकल स्पीच नोट मेकिंग समरी हटा दिए गए हैं। नोट मेकिंग समरी आपको नहीं पढ़ना है, आर्टिकल स्पीच आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन बच्चों, जो मैंने आपको आर्टिकल स्पीच लिखाए हैं वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि रिपोर्ट वाला टॉपिक आपका है और रिपोर्ट में फैक्चुअल रिपोर्ट जो आती हैं उसमें आर्टिकल स्पीच नहीं आएंगे। लेकिन जो मैंने आपको शीर्षक लिखाए हैं उस शीर्षक का यदि आपको रिपोर्ट आती है तो आप आसानी से रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कंपलसरी, क्लास आपकी 12th, सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी, क्लास 12th, टॉपिक चल रहा है आपका नोटिस। मैं आपको नोटिस से संबंधित एक क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ। क्वेश्चन कौन सा है? आप अलवर के CMHO हो, आपका नाम KK अग्रवाल है। लोगों को अपील करते हुए आप एक नोटिस लिखिए। जब यहाँ क्वेश्चन में शब्द आ गया है अपील, तो फिर आपको नोटिस के स्थान पर अपील शब्द का ही जिक्र करना है। ध्यान रखिए बच्चों, अपील आपका टॉपिक नहीं है, टॉपिक आपका है नोटिस, लेकिन नोटिस का ही एक रूप होता है अपील, जिसको हम कहते हैं निवेदन। और नोटिस मीन्स होता है सूचना। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th में नोटिस में आपको यहाँ नोटिस बोर्ड तैयार करना होगा। जब आप नोटिस बोर्ड तैयार करोगे तो ऊपर आपको नोटिस बोर्ड ही लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, आप नोटिस बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि जब हम अपील लिख रहे हैं, क्वेश्चन में अपील आया हुआ है, तो जो यहाँ नोटिस के स्थान पर अपन को क्या लिखना है? अपील लिखना है, फिर भी ऊपर नोटिस बोर्ड ही लिखना होगा, ऊपर आपको अपील बोर्ड नहीं लिखना है। मेरी बात आप समझ रहे हो? नोटिस और अपील, ये दो रूप होते हैं, दो भाग होते हैं। मेन पार्ट नोटिस ही है, अपील नहीं है। अपील एक हिस्सा है नोटिस का ही। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जनता से अपील की जाती है पल्स पोलियो वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, ये अपील की जाती है। तो ध्यान रखिए, संस्था का नाम, विभाग का नाम, डेट लिखते हैं,
फिर नोटिस लिखते हैं। नोटिस जब लिखते हैं और यदि क्वेश्चन में आता है राइट एन अपील या ड्राफ्ट एन अपील, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अपील लिखना है। पर ध्यान रखना है, अपील लिखवाता है या नोटिस लिखवाता है, इस जगह पर ऊपर आपको नोटिस बोर्ड ही लिखना है हर हालत में, अपील बोर्ड नहीं होता है। ठीक है, यहां लिखना है, मैंने बताया था यू आर के अग्रवाल CMHO अलवर। CMHO का मतलब चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। पर बच्चों ध्यान रखिए, यहां आपको ये नहीं लिखना है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। मैंने आपको बता दिया था कि यहां ऊपर जो क्वेश्चन लिखा जाता है, उस क्वेश्चन सॉरी नोटिस लिखा जाता है, उस नोटिस बोर्ड पर नीचे यहां आपको संस्था का नाम लिखते हैं, यानी कि कोई इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, विभाग का नाम लिखते हैं। तो आपको विभाग कौन सा हो जाएगा, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। अब आप देख लीजिए नोटिस आपका ये बोर्ड बड़ा बन रहा है, तो कोई बात नहीं, आप यहीं बना दीजिए और इसके बीच में हम क्या लिख देंगे, जिले का नाम, संस्था जहां, विभाग जहां है, यहां आप क्या लिख दोगे, अलवर, ALWAR। ऊपर लिख दिया मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब क्या हो गया इसका, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, या ऑफिसर नहीं लिखोगे। ये अलग बात है कि प्रश्न में संस्था का नाम दिया गया नहीं है, तो आपको स्वयं को संस्था का नाम लिखना है। जब आप CMHO हो, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हो, तो फिर आप किस विभाग के व्यक्ति हो गए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के व्यक्ति हो गए। आप मान के चलिए प्रश्न में आता है आप DEO हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, तो आपको यहाँ विभाग कौन सा हो जाएगा, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यही तो होगा। यानी जो व्यक्ति जहाँ काम करता है, जिस विभाग में है, जिस संस्था में वो है, तो उस विभाग को ही अपन लिखेंगे। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, ऑफिसर है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का ऑफिसर होगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उसका डिपार्टमेंट क्या होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। अलवर यहाँ लिख दिया है, और इधर आप लिख दोगे यहाँ डेट, कितना तारीख लिख दोगे, 24 अगस्त 2021। ये हो गया आपका यहाँ तारीख, यानी कि डेट। ठीक है, अब डेट यहाँ कंप्लीट आपका हो गया है। नीचे आपको क्या लिखना होता है, नोटिस, NOTICE। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में आपका स्पष्ट रूप से दिया गया है राइट एन अपील, नॉट नोटिस। यू विल नॉट राइट एयर नोटिस बिकॉज इन योर क्वेश्चन, आपके प्रश्न में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहां आपको क्या लिखना है, अपील लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, APPEAL, ये क्या हो गया, अपील हो गया। अपील का मतलब है आपका निवेदन। कोशिश कीजिए इसे बीचों बीच लिखें, फिर भी बीचों बीच आपका नहीं लिखा जाता है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, APPEAL, अलवर बीचों बीच है, तो अपील आपका अलवर के नीचे ही आ जाएगा, यानी कि बीचों बीच। इसके बाद आप लिखोगे, यानी कि सब्जेक्ट, अबाउट COVID-19 या कोविड वैक्सीनेशन, COVID-19 वैक्सीनेशन या कोरोना वैक्सीनेशन, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है आप उसके बारे में लिख दोगे, अबाउट कोविड वैक्सीनेशन या अबाउट कोरोना
वैक्सीनेशन, ये आपको यहाँ लिखना है। 19 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोरोना वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। कोरोना वैक्सीनेशन या कोविड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। तो इसके लिए आपको यहां एक अपील लिखनी है, यू आर द चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर अलवर, आप अलवर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं, लोगों को अपील करते हो आपको लिखना है। यहां तक होने के बाद आपको नीचे लिखना है, ऑल द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन, आप कोई भी डेट लिख दीजिए, 26 अगस्त 2021। इट इज द प्रोग्राम टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, यह प्रोग्राम कोरोना वायरस विषाणु से लड़ने के लिए है, लड़ने के विषाणु के विरुद्ध है। वायरस का मतलब होता है बच्चों विषाणु। वैक्सीन विल बी अवेलेबल on all PHCs in the district. People have to obey COVID-19 rules. They have to wear masks on the centers. For more contact to the undersigned. बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये आपको बंद करना है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, एक पंक्ति छोड़ करके यहां लिखना है नाम, के अग्रवाल CMHO। अलवर लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो विभाग में हम यहां स्थान का नाम लिख चुके हैं। तो यहां आपको CMHO लिख दीजिए, ऊपर लिखना है व्यक्ति का नाम, नीचे लिखना है अधिकारी का नाम, पोस्ट का नाम, पद का नाम। तो बच्चों यहां आप लिखोगे ऑल द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट
इस जिले के सभी लोगों को आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, यहाँ सूचित किया जाता है कि कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविड वैक्सीनेशन, कोविड टीकाकरण प्रोग्राम कार्यक्रम इज बीइंग ऑर्गेनाइज, आयोजित किया जा रहा है ऑन 26 अगस्त 2021 को। इट इज़ द प्रोग्राम, ये कार्यक्रम है टू फाइट, लड़ने के लिए अगेंस्ट कोरोना वायरस, किससे, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कार्यक्रम है। वैक्सीन यानी कि टीका विल बी अवेलेबल, उपलब्ध होगा ऑन ऑल PHCs, सभी PHCs पर इन द डिस्ट्रिक्ट माने जिले। PHC का मतलब होता है बच्चों प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये PHCs कहलाते हैं। हॉस्पिटल्स अलग है, PHC अलग होता है, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, ठीक है, जैसे कठुमर है और गांवों में भी बहुत से PHC बने हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, उन सभी पर ये कोरोना वैक्सीन है ये उपलब्ध होगी। वैक्सीन, वैक्सीन माने टीका, वैक्सीन माने टीका, विल बी अवेलेबल, उपलब्ध होगा ऑन ऑल PHCs, सभी PHCs पर। ऑन के स्थान पर आप एट प्रपोजिशन भी लगा सकते हो, ठीक है, इन लगाने की आवश्यकता नहीं है, अवेलेबल इन ये नहीं आएगा। इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में, जिले में सभी PHCs पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ये उपलब्ध होगा। पीपल हैव टू ओबे, लोगों को पालन करना है COVID-19 रूल्स, COVID-19 या कोरोना वायरस के रूल्स को फॉलो करना है, ओबे करना है, ओबे नहीं तो फॉलो लिख सकते, पालन करना, अनुसरण करना। दे हैव टू वियर, उन्हें पहनना है मास्क, क्या पहनना है, मास्क पहनना है ऑन द सेंटर्स माने केंद्रों पर। फॉर मोर, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट, संपर्क कीजिए टू द अंडरसाइंड माने निम्न हस्ताक्षरित व्यक्ति से, ठीक है बच्चों, ये आप यहाँ कॉपी कर सकते हो, मैं इसे मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, या आपको क्वेश्चन भी लिखाना है, क्योंकि इसका प्रश्न तो मैंने आपको कल लिखा दिया था। मैं आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया है, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है भाई। यू आर KP सिंह, द कल्चरल प्रोग्राम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। आपका नाम KP सिंह है, आप कौन हो, कल्चरल प्रोग्राम सेक्रेटरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम सचिव हो ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ के। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक सूचना लिखिए ऑन द नोटिस बोर्ड, किस पर, सूचना पट पर, नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखिए इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, आपको प्रश्न अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न आपका क्या कह रहा है ये सबसे पहले आपको देखना है। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले, यू आर केपी सिंह द कल्चरल प्रोग्राम सेक्रेटरी, तुम्हारा नाम केपी सिंह है, ये तो आपका नाम हो गया जो अपन नीचे ही नीचे लिखते हैं नोटिस लिखते समय, और उसके नीचे लिखते हैं पद का नाम कल्चरल प्रोग्राम सेक्रेटरी, ये हो गया आपका क्या पद का नाम जो अपन नीचे नीचे लिखेंगे। अब बात करते हैं संस्था का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, ये हो गया आपकी संस्था का नाम और स्थान का नाम जहां आपकी संस्था स्थापित है। इसके बाद क्वेश्चन है ड्राफ्ट ए नोटिस, तो ये इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि हमें नोटिस लिखना है या अपील। वैसे नोटिस अपील एक ही बात है, वही उनका पैटर्न है अपील का भी, थोड़ा सा फर्क ये है कि हम जब नोटिस बोर्ड बनाते हैं उसमें बीचों बीच एक शब्द लिखते हैं नोटिस, आपको अपील लिखते समय क्या करना है, नोटिस नहीं लिखना है अपील लिखना है, बस इतना सा फर्क है। ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर सूचना पट पर एक नोटिस लिखो, इनफॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए अबाउट एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वार्षिक, एनुअल मीन्स क्या होता है बच्चों, वार्षिक, प्राइज माने होता है पुरस्कार, डिस्ट्रीब्यूशन माने वितरण, और फंक्शन का मतलब होता है उत्सव, कार्यक्रम, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां एक नोटिस बोर्ड तैयार करना है, ठीक है बच्चों, नोटिस बोर्ड तैयार करना है, स्कूल का नाम लिखना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हियर, क्या लिखोगे इन कैपिटल लेटर्स, GOVT गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिर राजगढ़, RAJGARH राजगढ़, घर नहीं होता गर्ह, इंग्लिश में गढ़ नहीं लिखते घर लिखते गर, ये ध्यान रखना, जैसे लक्ष्मणगढ़ LXMNGARH, LX भी लिख सकते हो, LKSH भी लिख सकते हो, लक्ष्य छ KSH से बनता है लेकिन आप X से बना सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, यहां लिखना है बच्चों डेट, क्या डेट है आपका 24 अगस्त 2021। सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, आपको अपने घर से कुछ नहीं लगाना है, बस समझना होता है कि प्रश्न में क्या बता रहा है, ये समझना है। प्रश्न में सारी चीजें दी गई हैं, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये आपका सब्जेक्ट है, विषय है, इसी पर आपको नीचे नोटिस लिखना होता है, बाकी चीजें यह सब कुछ दिया हुआ है। देखिए आपको अब लिखना है नोटिस, बीचों बीच NOTICE, नोटिस, ठीक है। नोटिस का मतलब क्या होता है, सूचना, नोटिस का मतलब क्या होता है, सूचना। तो ध्यान रखिए आप, NOTICE नोटिस, और एक शब्द होता है अपील,
अपील मींस होता है निवेदन, मैंने बार बार इसको बता रहा हूँ, इसको आप चाहो तो ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, हम इसको फोकस में लाएं। बाकी बंद नहीं करते, और बंद करते हो तो अलग से एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते या नंबर कटते नहीं है, ध्यान रखिए। नीचे आपको लिखना है अबाउट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये अबाउट एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एनुअल नहीं लिखा है इसमें, एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, FUNCTION, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। अबाउट यदि आप इसमें नहीं भी लिखते हो, मैं सभी नोटिस में लिखा रहा हूं और सब्जेक्ट लिखते समय अबाउट लिखता रहा हूं, तो आप यदि अबाउट नहीं भी लिखते हो, सीधा सीधा लिखते हो एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तब भी आपका बिल्कुल सही सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अबाउट नहीं लिखें या लिखें। चलिए बच्चों, नीचे लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, सभी इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, क्या सूचित किया जाता है ये आपको आगे लिखना है, ध्यान रखना है बच्चों, दैट के बाद आपको सूचना लिखनी है जो सूचना आप देना चाहते हो। क्या सूचना देना चाहते हो वो आपको यहां लिखना होता है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ये दो बार लिख दिया, ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाय informed that all the students of this school are hereby informed that इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि, our school is going to organize its 9th annual prize डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें बाहर मत निकालना फंक्शन, आप इसमें नाइन्थ नहीं लिखना चाहते तब भी सही है। गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट्स और नाइन्थ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे क्वेश्चन में ऐसा उल्लेख किया हुआ नहीं बच्चों। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन कितने तारीख को लिखना है वो आप लिख दीजिए, एट 11 AM ऑन 27 अगस्त 2021। ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो अपन डेट लिखते हैं 24 अगस्त,
इसके बाद का कोई भी तारीख लिख दीजिए। हालांकि अगस्त के महीने में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये बाद में होता है लगभग जनवरी फरवरी के महीने में, वार्षिक है ना इस वजह से, लेकिन हमें तो आज लिखना है क्योंकि आज का तारीख में यहाँ 24 अगस्त लिख दिया है ना। ठीक है बच्चों, इट विल बी हेल्ड इन द स्कूल या इन द ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल, विद्यालय के सभागार में। इट यह विल बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा, लगाया जाएगा इन द ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल, विद्यालय के सभागार में। शो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम टू स्कूल ऑन दैट डे, उस दिन को सभी विद्यार्थियों को विद्यालय आना है। मिस्टर राजीव DEO विल बी द चीफ गेस्ट। श्रीमान राजीव जो कौन है, DEO हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो मुख्य अतिथि होंगे। ऑल द अवार्डीज, सभी अवार्डीज को, अवार्डीज मतलब जिनको पुरस्कार मिलने हैं, ऑल द अवार्डीज हैव टू मीट टू द अंडर शाइन। क्या लिखा हुआ है, सभी अवार्डीज को, अवार्डीज का मतलब है जिनको अवार्ड मिलेगा, उनको हैव टू मीट मिलना है टू द अंडरसाइन माने निम्नलिखित हस्ताक्षरित व्यक्ति को। अब देखिए, यहां नीचे मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इस जगह पर आप लिख दीजिए KP सिंह और नीचे लिख दीजिए कल्चरल प्रोग्राम सेक्रेटरी। इसका मतलब समझ गए आप, मेरे पास जगह नहीं है, आपको नीचे लिखना है, फिर बंद करना है बॉक्स। KP सिंह ये रहा, कल्चरल प्रोग्राम सेक्रेटरी ये लिख दिया, जो आपका क्या हो गया, ये नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ लिख चुके हैं अपन। नोटिस लिख दिया है, सब्जेक्ट हो गया अबाउट एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हो गया 24 अगस्त 2021, ये हो गया। अब इसका एक बार हिंदी अर्थ करके देखते हैं कि क्या ये नोटिस में लिखा हुआ है। तो नोटिस कहता है बच्चों, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, यहाँ सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है इट्स 9th एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अपना नवा, इट्स माने अपना नवा, एनुअल माने वार्षिक, प्राइज माने पुरस्कार, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, फंक्शन माने कार्यक्रम या समारोह, एट 11 AM 11 बजे ऑन 27 अगस्त 2021 को इट विल बी हेल्ड, यह लगेगा, यह आयोजित किया जाएगा इन द ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल, विद्यालय के ऑडिटोरियम में, विद्यालय के सभागार में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बच्चों ये आपको यहां लिखना है। नीचे फिर क्या कह रहा है, सो इसलिए ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को हैव टू कम, आना है, आना यानी कि हैव टू, हैज टू, इनका प्रयोग करते हैं बच्चों जब हम किसी चीज को बाध्यतापूर्वक करते हैं, जब हम किसी चीज को, किसी कार्य को हमें करना ही है, बाध्यतापूर्वक करना होता है, उसमें हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
हैव टू कम टू स्कूल ऑन दैट डे, उस दिन विद्यालय आना है। मिस्टर राजीव, श्रीमान राजीव, DEO, जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर विल बी द चीफ गेस्ट। कौन होंगे? मुख्य अतिथि होंगे। चीफ गेस्ट का मतलब मुख्य अतिथि। आगे लिखा हुआ, ऑल द अवार्डीज, सभी अवार्डीज माने पुरस्कार लेने वालों को हैव टू मीट, मिलना है टू द अंडरसाइंड माने निम्नलिखित हस्ताक्षरित व्यक्ति से। तो बच्चों ये हो गया आपका यहाँ नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसे मिटा देता हूं, आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। बच्चों ये नोटिस आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे नोटिस हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से यदि समझ जाते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत यहां नहीं आएगी, और यदि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल झालावाड़। यू हैव इनवाइटेड मिस्टर P.S. गोयल द पुलिस ऑफिसर टू डिलीवर ए स्पीच ऑन रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा पर एक भाषण देने के लिए तुमने मिस्टर P.S. गोयल को बुलवाया है, जो कौन है? पुलिस ऑफिसर है। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक सूचना लिखिए, नोटिस लिखिए ऑन द नोटिस बोर्ड। किस पर? नोटिस बोर्ड पर, सूचना पट पर। Informing the students, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए। देखिए बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, बार बार मैं इसी बात को कहता हुआ आ रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है। You are the principal of विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल झालावाड़। बच्चों ये हो गया पद का नाम, पोस्ट का नाम, जो हमें नीचे काम में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इस व्यक्ति का नाम दिया गया नहीं है कि प्रिंसिपल यहां कौन है। समझ रहे हो? कोई बात नहीं, अपनी इच्छा से, अपने मन से हम कोई भी क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं नाम। दूसरा, यहां दिया गया विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल झालावाड़, यहां संस्था का नाम भी दिया गया है, यहां आपका स्थान का नाम भी दिया गया है। यू हैव इनवाइटेड, और तुम प्रिंसिपल हो, तुमने हैव इनवाइटेड आमंत्रित किया है मिस्टर P.S. गोयल को, आमंत्रित किया है द पुलिस ऑफिसर, जो कौन है? पुलिस अधिकारी है। पुलिस ऑफिसर के स्थान पर यहां
ट्रैफिक ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर भी आप यहाँ लिख सकते हो। ट्रैफिक ऑफिसर का मतलब यातायात अधिकारी, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि रोड सेफ्टी पर जो भाषण देना है, रोड सेफ्टी के बारे में जो जानकारी लेनी है, वो हमें ऐसे ही व्यक्तियों से लेनी है जिनको ट्रैफिक के बारे में जानकारी हो, सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी हो। चाहे वो आपका ट्रैफिक ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है। होता क्या है कि आजकल सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। विद्यालय में भी आपको पता है कक्षा 10 में रोड सेफ्टी का एक अलग ही टॉपिक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखाया है। कक्षा 10 में रोड सेफ्टी का एक अलग ही टॉपिक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रिंसिपल हो, विद्यार्थियों को सूचित करना है कि इस दिन विद्यार्थियों को स्कूल जरूर आना है, उन्हें इसको यानी कि रोड सेफ्टी का जो लेक्चर है, भाषण है, स्पीच है, उसको सुनना है, जानकारी प्राप्त करनी है। तो बच्चों यहाँ पुलिस ऑफिसर टू डिलीवर ए स्पीच, टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा पर एक लेक्चर, एक व्याख्यान देना है, ठीक है। ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ हैं। पीएस गोयल, इनवाइटेड प्रिंसिपल, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल झालावाड़, ठीक है। तो मैंने इसको मिटा दिया है, आपने इसको ज़रूर कॉपी कर लिया होगा। यदि कॉपी नहीं किया है, अपने वीडियो को वापस लीजिए और इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ आपको एक नोटिस बोर्ड तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, थोड़ा जगह छोड़िए और विद्यालय का नाम लिखिए। विवेकानंद, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है बच्चों, और फिर आ जाएगा स्कूल, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप बस इतना ही बना दीजिए, बीचों बीच लिख सकते हो स्थान का नाम क्या, झालावाड़, JHALAWAR, ये क्या हो गया, झालावाड़, यानी कि स्थान का नाम। यदि स्थान का नाम यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा आपकी कॉपी में नहीं आता है, बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है, कॉपी में नहीं आता इस वजह से यहाँ लिख दिया है। झालावाड़ के बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ आपको डेट लिखना है 24 अगस्त 2021, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ नोटिस, NOTICE, नोटिस। नोटिस मीन्स होता है सूचना, बार बार उसी चीज को मैं नहीं दोहराना चाहता, फिर भी दोहरा देता हूं। इसके बाद लिखना है, डायरेक्ट लिख दिए लेक्चर, अबाउट लिखने की जरूरत नहीं है, लेक्चर, लेक्चर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो स्पीच, लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी पर लेक्चर, रोड सेफ्टी पर लेक्चर, लेक्चर का मतलब होता है व्याख्यान। यदि प्रश्न में आपका स्पीच दिया गया है, प्रश्न में यदि आपका भाषण दिया गया है, तो आप यहां स्पीच लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं नीचे ऑल द स्टूडेंट्स, लिख लिया होगा आपने,
कुछ बच्चे तेज होते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल दैट की आवर स्कूल हैज इन्वाइटेड मिस्टर किसको P.S. गोयल को इनवाइटेड किया है, इनवाइट किया है. आवर स्कूल हैज इनवाइटेड मिस्टर P.S. गोयल द पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी. समझ गए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर हेयर बाय इन्फॉर्म या सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल हैज इनवाइटेड हमारे विद्यालय ने आमंत्रित किया है मिस्टर P.S. गोयल को. कौन है मिस्टर P.S. गोयल? द पुलिस ऑफिसर माने पुलिस अधिकारी. टू डिलीवर ए लेक्चर या टू डिलीवर ए स्पीच ऑन रोड सेफ्टी पर एक भाषण देने के लिए. इट विल बी हेल्ड एट ग्यारह AM. ऑन 28 अगस्त 2021. सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू असेंबल इन द ऑडिटोरियम हॉल. सभागार कक्ष में इकट्ठा होना है ऑन दैट डे उस दिन. द मोटो ऑफ द प्रोग्राम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी अमोंग द स्टूडेंट्स. कॉपी कीजिए बच्चों इसको. मैं एक चौक ले लेता हूं. फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडर साइन. बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और क्वेश्चन में दी गई चीजें हमने यहां क्लियर कर ली हैं. देखिए क्वेश्चन में आपका दिया गया था यू आर द प्रिंसिपल, तो हम नीचे लिख देंगे पद का नाम. लेकिन क्वेश्चन में इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रिंसिपल का नाम क्या है. फिर क्या करना है? अपनी इच्छा से कोई भी नाम आप लिख दोगे.
फिर लिखा हुआ है आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल हो, ये आपका संस्था का नाम हो गया। फिर लिखा हुआ था ये विद्यालय कहाँ स्थित है, झालावाड़ में, JHALAWAR, ये भी क्लियर हो गया। डेट अपनी इच्छा से जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन लिखिए। नोटिस लिख दिया आपने, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था राइट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। फिर है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को ऑफ दिस स्कूल इस विद्यालय के आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड या सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल हमारे विद्यालय ने हैज इन्वाइटेड आमंत्रित किया है मिस्टर PS गोयल को, द पुलिस ऑफिसर, जो कौन है पुलिस अधिकारी। तो बच्चों यह ध्यान रखना है ये जो नाम लिखा है ना PS गोयल, ये नाम आपके प्रश्न में उल्लेखित है। यदि प्रश्न में नाम उल्लेखित नहीं है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन यदि आपका प्रश्न मेंशन करता है, उल्लेख करता है, तो हमें वही नाम लिखना होता है जो नाम प्रश्न में दिया गया है। क्लियर, ये विशेष ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अभी फिर आप कहते हो सर ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये ध्यान नहीं दिया, उधर ध्यान नहीं दिया। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था अभी, कल लिखाया था और आज उसका आंसर लिखाया था, कोरोना वैक्सीनेशन का, कोविड वैक्सीनेशन का। अब मान के चलिए आपको प्रश्न में कोविड वैक्सीनेशन का नहीं आता है, पल्स पोलियो वैक्सीनेशन का आ जाता है। USCMHO अलवर, आप अलवर के CMHO हो, ठीक है, आप CMHO या आप CSO चीफ सेक्रेटरी इन हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग में चीफ सेक्रेटरी हो इन राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार में, ऐसे भी आ सकता है। और आपको आता है कि जो क्वेश्चन बताया था मैंने आपको पल्स पोलियो वैक्सीनेशन का, वो आ गया आपको, तब भी आपको कोविड वैक्सीनेशन के स्थान पर वो लिख देना है। थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जहां कोविड वैक्सीनेशन दिया गया है, जहां कोरोना वायरस दिया गया है, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, पल्स पोलियो वैक्सीनेशन का प्रयोग करेंगे। हाँ उसमें थोड़ा सा इतना है, पल्स पोलियो वैक्सीनेशन में, पल्स पोलियो का जो अभियान चल रहा है, प्रोग्राम है, एक्सपेडिशन चल रहा है, उसमें क्या है कि आपको उम्र लिखनी होती है, उम्र लिखनी होती है 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 5 वर्ष तक, ऐसे, ठीक है। हाँ आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी उम्र है 18 से 45 वर्ष, द पीपल, ऐसे लोग हु हैव द एज ऑफ 18 to 45 years, जो 18 से 45 वर्ष की उम्र रखते हैं, हैव टू रीच नियरेस्ट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, ऐसे लिख सकते हो, निकटतम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है, केंद्र पर पहुंचना है। तो ये पल्स पोलियो वैक्सीनेशन, पल्स पोलियो बूथ जो होता है निकटतम, उस पर पहुंचना है। हाँ कोविड सेंटर बनाए गए, वो PHCs में बनाए गए हैं अधिकतर। अब ये बात और है, जगह जगह पर विद्यालयों में, स्कूलों में भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वो बात अलग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। PS गोयल द पुलिस ऑफिसर टू डिलीवर ए स्पीच या टू डिलीवर ए लेक्चर, ध्यान रख बच्चों, भाषण देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द कौन सा है, डिलीवर। ए लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा पर एक लेक्चर देने के लिए पुलिस ऑफिसर को हमारे विद्यालय ने इनवाइट किया है। इट विल बी हेल्ड, यह विल बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा। अब हेल्ड नहीं लगाते हो तो लिख सकते हो इट विल टेक प्लेस, इट विल टेक प्लेस, यह संपन्न होगा। टेक प्लेस का मतलब होता है बच्चों संपन्न होना, ध्यान रखना। टेक प्लेस हालांकि एक फ्रेजल वर्ब नहीं है, टेक प्लेस फ्रेजल वर्ब नहीं है,
फिर भी आपको संपन्न होने के लिए, घटित होने के लिए टेक प्लेस का प्रयोग कर देते हैं। किसी इवेंट का घटित होना, आपका सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया गया है फ्रेजल वर्ब, वो मैं आपको कराऊंगा, मुहावरेदार क्रियाएं है ना, उसमें आपको लगभग 60-70 वर्ब याद करनी है। वर्ब तो कुछ नहीं, सात हैं, उस दिन मैंने बता दिया था, सात हैं आपकी, उसमें ब्रैक दिया गया है, ब्रिंग दिया गया है, ठीक है, कैरी दिया गया है, कम दिया गया है, गेट दिया गया है, पुट दिया गया है, टर्न दिया गया है, ये सात हैं केवल, ज़्यादा नहीं है। सात वर्ब की फ्रेजल वर्ब आपको तैयार करनी है, कौन कौन सी, ब्रैक, ब्रिंग, कैरी, टर्न, पुट, कम और गेट। अब सात वर्ब से कितनी फ्रेजल वर्ब बनती हैं, लगभग आपको सात में 10 का गुणा कर दीजिए, 70 के आसपास, किसी में 12 भी हो सकती है, किसी में 8 भी हो सकती है। तो इतनी फ्रेजल, 60-70 मीनिंग याद करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उनका अर्थ याद करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है इट विल टेक प्लेस, यह है संपन्न होगा एट 11 AM, 11 बजे, या इट विल बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा 11 बजे ऑन 28 अगस्त 2021 को। सो ऑल द स्टूडेंट्स, इसलिए सभी विद्यार्थियों को हैव टू असेंबल, एकत्रित होना है, ASSEMBLE, असेंबल का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा होना, एकत्रित होना, इन द ऑडिटोरियम हॉल, सभागार कक्ष में, ऑन दैट। अब ऑडिटोरियम हॉल के स्थान पर आप केवल ऑडिटोरियम लिख देते हो तब भी सही है, ऑडिटोरियम माने सभागार में, जब आगार लग गया पीछे तो हॉल की कोई जरूरत भी नहीं है तब भी सही है। बच्चों आगार का मतलब होता है एक प्रकार का केंद्र, घर, मकान, घर, आगार, आलय, ये पर्यायवाची है इसके। हॉल माने कक्ष, सभागार कक्ष या सभागार में, ऑडिटोरियम हॉल भी सही है और ऑडिटोरियम भी सही है। ऑन दैट डे, उस दिन, द मोटो ऑफ द प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का ध्येय, मोटो मीन्स होता है ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पज भी लिख सकते हो, द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का ध्येय, कार्यक्रम का लक्ष्य, इज टू स्प्रेड, माने क्या करना है, फैलाना है, अवेयरनेस माने जागरूकता, अबाउट रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के बारे में, अमोंग द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों में, विद्यार्थियों में जागरूकता फैलानी है। फॉर मोर, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट, संपर्क कीजिए टू द अंडरसाइंड निम्नलिखित व्यक्ति को। बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नाम दिया गया नहीं है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो मनोज चौधरी और यहाँ लिख सकते हो प्रिंसिपल। हमें केवल पद का नाम दिया गया था क्वेश्चन में, प्रिंसिपल, नाम नहीं दिया गया था। नाम आप कोई भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कॉपी कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बच्चों ये आपका आज की क्लास में समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। बच्चों जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपसे ऑफलाइन क्लासेज में बिल्कुल भेंट होगी, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी आपका चलता रहेगा। कुछ बच्चे जो इन विद्यालयों के बाहर के हैं वो चिंता न करें बिल्कुल भी, ठीक है। बच्चों नमस्कार।